महेंद्र प्रताप है, और वैश्वीकरण चैप्टर से हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और इससे पहले हमने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बताए थे, अब हम इसके सांस्कृतिक प्रभाव देखेंगे। दोस्तों, ये जो है टॉपिक, ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार सुन लेंगे या देख लेंगे हमारी वीडियो, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला। तो इसमें, इस टॉपिक में हम देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े हैं। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति में हस्तांतरण हो रहा है, बदलाव आ रहा है, खान पान में बदलाव आ रहा है। पहला पॉइंट, देखा होगा आपने बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, दुनिया भर की चीज़ों का चलन हो गया है। रहन सहन में बदलाव, कि जो रहन सहन है वो बदलता जा रहा है। पहनावे में बदलाव, नीली जीन्स, पश्चिमी पोशाक, पश्चिमी परिधान, इस तरह के कपड़े ज़्यादा पहने जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होना, यानी कि हम क्या हो रहे हैं, पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, और हमारा सारा ध्यान इन चीज़ों पे जा रहा है। विदेशी त्यौहारों को प्रसार हो रहा है, यानी विदेशी त्यौहार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वैलेंटाइन डे वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। रोज़ डे, दुनिया भर के डे आते हैं, ये सब बाहर की चीज़ें, और ये सब पश्चिमी सभ्यता से आई हैं और ये हम अपनाते जा रहे हैं। विदेशी फिल्मों का चलन, अगर आप आज से 20 से 30 40 साल पहले देखेंगे तो विदेशी फिल्मों का इतना चलन नहीं था, सब अपनी बॉलीवुड की फिल्मों में ही घुसते हैं। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया कि विदेशी फिल्मों का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। रॉक संगीत को पसंद करना, रॉक म्यूजिक बहुत पसंद किया जाने लगा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, ऐसा माना जा रहा है कि पहले ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को घर पे रखना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, ज़्यादा अगर पढ़ जाएगी तो उसकी शादी में दिक्कत आएगी, या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि अगर लड़की को हम पढ़ाएंगे तो कर फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उसे शादी के बाद चूल्हा चौका करना है। लोगों की सोच ऐसी थी। अब वैश्वीकरण के कारण ये बदलाव आया, अब लोगों को पता लग गया है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है, महिला भी पुरुषों के साथ बराबरी का हिस्सा निभा रही है, महिला भी बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। एक है फिर जीवन शैली में बदलाव, कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। दोस्तों, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, किसी के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। आपने देखा होगा सड़कों पर मिनटों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई गिर गया, कोई दिक्कत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको मतलब देख भी लें, सब अपना भाग भाग दौड़ में बिजी हैं। तो ये है कि लाइफ स्टाइल हमारी बदलती जा रही है, पहले जैसा कुछ नहीं है। रूढ़िवादिता का अंत, रूढ़िवादिता वो परंपराएं होती है जो सदियों से चली आ रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया, कांच टूट गया, अशुभ हो गया, और न जाने क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, और यही रूढ़िवादिता है, इसी को इसका अब अंत होता जा रहा है, कि अब कांच टूटने पे और बिल्ली के रास्ता काटने पे कोई लोग उसे अपशगुन नहीं मानते हैं। सांस्कृतिक धरोहर का ख़त्म होना, ऐसा भी माना जा रहा है कि सांस्कृतिक जो धरोहर है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों, ये हमने सांस्कृतिक प्रभाव बताए थे। अच्छे लगे हों अगर आपको ये पॉइंट, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।